नमस्कार, सुप्रभात, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आज सवेरे में। हमारा आज का ये कार्यक्रम विशेष है क्योंकि इसमें विशेष मेहमान हमारे साथ होंगे और विशेष विषय पर आज हम बात करेंगे, जब बात होती है स्वतंत्रता की। लेकिन उससे पहले थॉट फॉर द डे। विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए। जब विश्वास अंधा होता है तो वह मर जाता है। Faith must be enforced by reason. When faith becomes blind, it dies. तो ये था आज का विचार, और कहते हैं विचारों से ही आपके जीवन को दिशा मिलती है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब दिन की बात होती है तो हर दिन विशेष का अपना महत्व भी होता है। तो इतिहास की दृष्टि से अगर बात की जाए तो क्या है आज की हिस्ट्री, आइए जानते हैं। 1868 में फ्रांस के खगोलविद पीरे जैनसन ने ग्रहण के दौरान सौर स्पेक्ट्रम में हीलियम की खोज की। 1900 में महिला स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। 1936 में फिल्म निर्देशक, गीतकार और कवि गुलजार का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के दीना गांव में हुआ था। 1945 में सुकर्णो का स्वतंत्र इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर चयन किया गया। 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और हिस्ट्री की जब बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हम भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें जो योगदान रहा, जिस तरह का बलिदान दिया गया, उसको पुनः पुनः स्मरण करना, याद करना, उसके बारे में बात करना अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। तो इसी बात को ख्याल में रखते हुए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। आइए सबसे पहले आपका करवाते हैं उनसे परिचय। हमारे साथ हैं शीला दरबारी जी। शीला जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं नमस्कार सबको कहना चाहूँगी। और उस मूवमेंट के बारे में जहाँ ये शुरू हुई, उस जगह के बारे में, उसके महत्व के बारे में और उस पूरे दौर के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जेनिस दरबारी जी। बहुत स्वागत है डॉक्टर जेनिस आपका प्रोग्राम में। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या रहा था उस वक्त, आइए इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व संकट का सामना कर रहा था। युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष बढ़ने लगा था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में बैठक हुई, जिसमें देश की स्वतंत्रता को जनता और विश्व की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। कोहिमा और इम्फाल में लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस बीच 4 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग समिति की बैठक में तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश शासन की समाप्ति का आह्वान किया गया। क्रिस्प मिशन की असफलता से देश भर में जो आक्रोश का माहौल था, उसने एक नए आंदोलन की जमीन तैयार कर दी थी। 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे हर ओर लोगों का समर्थन मिला। इसके अगले दिन ही तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो गईं, पर आंदोलन नहीं रुका। आंदोलन की अगुवाई छात्रों, मजदूरों और किसानों ने की। कई स्थानों में स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में जनता ने अंग्रेजी सरकार के होश उड़ा दिए। ब्रिटिश हुकूमत इस आंदोलन से असहज हो गई और उसे ये समझ में आने लगा कि उसके लिए भारत पर कब्जा बरकरार रखना लंबे समय तक आसान नहीं है। सही मायनों में ये एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया। इसने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। गांधी जी ने देशवासियों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए करो या मरो का नारा दिया। बापू ने सभी से अपील की कि वो खुद को स्वतंत्र महसूस करें और देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं की आहुति देने के लिए भी तैयार रहें।
गांधी जी के आह्वान पर एक ढंग से पूरा देश इसमें शामिल हो गया। इस आंदोलन में संचार माध्यमों के सहारे भी आजादी की लड़ाई और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। कई युवा नेताओं ने अपनी रचनात्मक सोच और कुशल प्रबंधन से अंग्रेजी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराकर देशवासियों में एक ओर जहां उत्साह का संचार किया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत को जोरदार झटका भी दिया। देखते ही देखते लोगों ने इस क्रांति को अपने आचरण में शामिल कर लिया। हर ओर आजादी के लिए प्रयास होने लगे और संपूर्ण देश भारत माता की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने लगा। देश के स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्ता जग जाहिर है। आजाद भारत के निर्माण में इस आंदोलन की भूमिका सराहनीय है। भारत को हम बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा दौर में 1942 में जब ब्रिटिशर्स ने एक सब ऑर्डर्स दे दिए थे मेरे नाना को कि शूट एट साइट, और उस वक्त अगस्त 8 को जब गांधी जी ने कॉल दिया था डू और डाई। अब इंसिडेंटली जो मेरे नाना हैं आईसीएस में थे 1923 बैच, और 1923 बैच उस जमाने में जब बहुत कम इंडियंस चुने जाते थे इनटू द आईसीएस, इट वाज नोन एज द इंपीरियल सिविल सर्विस एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स द इंडियन सिविल सर्विस, और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो टॉपर थे। तो जब वो गांधी जी से मिलते थे उनकी ख्यालात ऑफ नॉन वायलेंस उनके दिल में रह गया, एक ऐसी ब्यूटीफुल खुशबू जिसे कहते हैं जो धरती से लगाव जब इंसान को होता है, एंड यही उनको एक मौका मिला क्योंकि वो बचपन से फ्रॉम द एज ऑफ 7 वो अपने बाप जो एक रीडर थे कोर्ट में उनके साथ जाते थे, और जब वो जाते थे तो वो देखते थे कि न्याय नहीं होता था। एक तरफ अगर ब्रिटिशर खड़ा है और जज ब्रिटिशर है, और उनके पूरा पिताजी जो एक रीडर थे उनको बेबस होकर के वैसे लिखना पड़ता था अपने ही भारतवासियों के खिलाफ, और ये बात उनको चुभा। एक छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आते थे एट द एज ऑफ 7, और वो अपने पिताजी से कहने लगे कि आप देखिएगा एक दिन मैं उस सीट पे बैठूंगा और मैं भी न्याय करूंगा। और जब वो धारणा पैदा हुई और वो भारत माँ से जुड़े तो वो स्कूल में टॉप करते गए, 6th, 10th ये सब पब्लिक एग्जाम्स होते थे उस वक्त, और पूरे यूपी में टॉप करते थे, तो एक नाम कमा लिया। और फिर जब वो आईसीएस के लिए बैठे तो ही पास्ड इन द फर्स्ट राउंड एंड ही बिकेम एन आईसीएस ऑफिसर। तो पूरा जो सब यूपी था खिलखिला उठी, हमारे लिए न्याय करने वाला कोई पैदा हो गया है। क्या बात! अब आप समझ सकते हैं जब 1942 आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सर्विस विद द ब्रिटिशर्स उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला, और वह था स्वराज को अपने तरीके से भारत के लिए करने के लिए। वो बहुत ही अहम जिंदगी है हमारे देश के पन्नों में, और हमारी माँ जो यहाँ बैठी हुई है उनके 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 दिल में जो बसा हुआ है। जी, तो डॉक्टर जेनिस, जैसा कि आपने जिक्र किया अपनी माता जी का, हमारे साथ बैठी हैं शीला दरबारी जी, बहुत सौभाग्य हमारा शीला जी आप प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। और जिन ऑफिसर का जिक्र हो रहा है उनकी अगर हम बात करें तो जगदीश्वर निगम जी आप उनकी पुत्री हैं। शीला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर जेनिस ने अभी जिक्र किया बलिया से शुरुआत होती है, और बलिया कई कारणों से जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण रहा है, और बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता था। मदन मोहन मालवीय वहाँ पर जाते हैं, पंडित नेहरू वहाँ जाते हैं, गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, और बार बार लोगों से आह्वान करते हैं, क्रांतिकारियों से आह्वान करते हैं कि वो मुखर रूप से आगे आए। आपकी यादें कहाँ जाती हैं? मुझे याद है जब मेरे पिताजी वहाँ पर कलेक्टर थे, तभी वो जब कचहरी किया करते थे अपनी, तो वो सुबह जो कचहरी करते थे वो अपने घर से करते थे, और वो एक करीब 1:30-2 बजे तक चलती थी। उसमें जो भी आता था वो घर पर ही आता था, और
उनका जो पियन था वो एक टर्न बाय टर्न एक एक को उनके सामने पेश करता था और उनके सब के बातें सुना करते थे। वो सुनकर वो अपने अपना न्याय उनको देते थे और कहते थे अब जाइए। और वो 6 महीने के करीब दौरे किया करते थे गांव गांव, टेंटों में रहते थे। वो ही नहीं, उनके परिवार पूरा जाता था। 1942 की मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, उस समय आपकी उम्र क्या थी और आपने क्या देखा अपने आसपास? उस समय तो मैं कोई 15 साल की थी जी, तो मुझे काफ़ी वातावरण का ज्ञान हो गया था और मैं उनकी कचहरी रोज़ देखती थी कि घर में लगती है, तो पता चलता था हम लोगों को। हालांकि सामने निकलना बरांडे में मुश्किल था, उनका जहाँ ऑफिस था और बरांडा था उनका, वहाँ हम लोग बिल्कुल नहीं जा सकते थे, एकदम मना था जी। शीला जी, हमें थोड़ा समझाइए, हम एक आम आदमी की नज़र से उस वक्त के दौर को अगर समझना चाहें कि आज़ादी से पहले जब हम गुलाम थे, महिलाओं का आप जिक्र कर रही हैं कि उनको भी कहीं कहीं व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ना झेलनी होती थी, लेकिन पूरा माहौल किस तरह का हुआ करता था, क्या जज्बा था लोगों में आज़ादी को लेकर? जज्बात बाद में पैदा हुआ, जब तक उनको मालूम नहीं था कि आज़ादी हमें मिल सकती है। और जब जीतू पांडे और ये बलिया में लोगों को वो इकट्ठा करके, भीड़ बहुत सारी इकट्ठा करके पूरे गांव-गांव में जा करके उसने प्रचारण किया उसका, और प्रचार करके जीतू पांडे ने इतनी भीड़, 25,000-30,000 के करीब भीड़, उन्होंने कहा चलो कलेक्टर के बंगले में चलते हैं और वहाँ जा कर के उनको समझाएंगे कि क्या होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने बंगले से तो छोड़कर एक मैदान तय किया कि जहाँ सारी भीड़ इकट्ठा हो सके। उस मैदान में उन्होंने कहा लोगों से, अपने पुलिस वालों को और सबको, कि सबको उधर डायरेक्ट कर दो और वहीं पे मैं झंडा लहराऊंगा और बात करूंगा उनसे। तो झंडे का भी बंदोबस्त था जी। ब्रिटिश सरकार का तो झंडा लहराता ही था, उसको यूनियन जैक कहा जाता था। ब्रिटिश का आदेश था कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, दैट वाज द मेन रीज़न, कि सूर्य अस्त कभी नहीं होता ब्रिटिश राज में, हमेशा सूरज चमकता है, इसलिए सूरज अस्त होने से पहले इसको उतारना चाहिए जी। तो उनका आदेश था और वही पालन होता था जी। डॉक्टर जेनिस, ये जो अब ईथोस की बात थोड़ा देखिए सिम्बॉलिकली, कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता इसलिए फ्लैग को इवनिंग में वो हटा देते थे, कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज भी हमें लगता है कि उन लोगों के पास आ चुकी थी जो इस तरह की चीज़ें अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं थी जी। बिल्कुल, बल्कि जब आप 1942 की बात कर रही हैं तो उस वक्त जो गांधी जी ने डू और डाई का जो नारा दिया था, बलिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हर विलेजर, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो चुका था कि गांधी जी हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन August 9th मॉर्निंग, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब अरेस्ट हो चुके थे लीडर्स, एंड द ब्रिटिशर्स हैड गिवन ऑर्डर्स, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन राइट फ्रॉम इंग्लैंड डाउन, दे हैड गिवन ऑर्डर्स टू ऑल द ICS ऑफिसर्स दैट यू, सिंस गांधी जी सेड डू ऑर डाई, द चैलेंज वाज टू द ब्रिटिशर्स, सो दे सेड शूट एट साइट। तो मतलब अगर ये विद्रोह जो रेवोल्यूशनरीज हैं अगर वो उठे तो उनको मारो, इनको पीटो, इनको आगे मत आने दो। तो नाना जी ने क्या किया, उन्होंने एक पूरा सोचा कि अगर मैं न्याय करना चाहता हूँ, एक तरफ ब्रिटिश सरकार को भी दिखाना है कि जो वो कर रहे हैं गलत है, और क्योंकि वो भी गांधी जी से जुड़े हुए थे और स्वराज उनके दिल में भी बसा हुआ था, तो उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल प्लान विद हिज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस वक्त थे रियाज अहमद खान, ही वॉज 30 years ऑफ सर्विस प्लस ही हैड द किंग्स कमीशन एंड एवरीथिंग ऑफ हिज मैजेस्टी, तो ब्रिटिश सरकार को उनके ऊपर पूरा भरोसा था, और इधर नाना जी का 17 साल थे तो इनके ऊपर तो पूरा भरोसा था कि अगर हमने ऑर्डर्स दिए तो ये कैरी आउट होगा। बट नाना डिड नॉट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ शूट एट साइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा खान रिक्विजिशन ऑल द गन्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, अब लोग उठेंगे, चिंटू पांडे को मैंने अरेस्ट किया हुआ है, ही इज इन द जेल, नाउ वॉच एंड वेट, लेट द रूरल इंडिया कम फॉरवर्ड, हमें भीड़ इकट्ठा करना है। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस वाले भी इनके साथ जुड़े हुए थे, जैसे माँ ने आपको बताया कि वो सोशल वर्कर एक तरह से हो गए थे, अपने पद को इस्तेमाल जनता के लिए करते थे एज एन ICS विच वॉज वेरी रेयर एट दैट टाइम इन 1940s। तो वॉट ही डिड इज वेन ही गेव दीज ऑर्डर्स,
डोंट पुट द कॉलम्स. नाउ पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कॉलम्स लगा देते हैं. तो जो ब्रिटिश इंक्वायरी, मुझे कैसे पता चले ये सब बात, क्योंकि जो ब्रिटिश इंक्वायरी हुई उसकी फाइल मुझे मिली इन द नेशनल अर्काइव्स. एंड द नेशनल अर्काइव्स गिव एक्चुअली द होल इंक्वायरी डे बाय डे जो हुआ था. दे हैड टू टेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं दे हैड टू टेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट. आई मीन एट दैट टाइम वी हैड द चीफ सेक्रेटरी मूडी. Moody later on became the first governor of Sindh in Pakistan. Okay, but right. This Moody was a very strong chap, and when he told my Nana, "You shoot at sight," he meant it, because Nana did not do it. So what happened is that the public got up. आते गए, कैसे आते गए? कुछ रेल के. अब उस वक्त आप समझ सकते हैं कि 40 किलोमीटर चलना. So this started on August 9th. Then you have 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. 1819. That is the August Kranti Divas, which the Baliites, Baliatic people, as I may put it, they celebrate. And why do they celebrate it? Because by the time 25,000 people had assembled in Balia, and you can imagine the josh. And there was tha pura wahan par pura jise kehte hain, they were singing the patriotic songs. Jhanda uncha rahe hamara vijayi vishv tiranga pyara, jhanda uncha rahe hamara vijayi vishv tiranga pyara, jhanda uncha rahe hamara. इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. शीला जी, आप जैसे गीत गा रही हैं, हम आज इसको महसूस कर सकते हैं, और उस समय उस दौर में जो परिदृश्य था, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई क्या लोगों में जज्बा होगा, क्या सपना होगा कि हम आज़ाद हो जाएं. लेकिन बलिया वो पहला क्षेत्र है जहां सबसे पहले 19 अगस्त को ये प्रयास जो है रंग लाया, और 3 दिन के लिए ही सही लेकिन कम से कम हमारा अपना ध्वज फहराया गया, और अपनी सरकार का जो एक भाव है वो हमने महसूस किया. उसके बारे में बताइए, कैसी अनुभूति थी वो? ऐसा था कि जब भीड़ इकट्ठा हो गई सारी, और उनको आने दिया था किसने, पिताजी ने ही उनको आने दिया था, और रियाजुद्दीन को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेकर ही सब किया था, क्योंकि वो एसपी थे वहाँ के, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो बिना उनके लिए हुए काम पूरा नहीं होता. तो इसलिए दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम सबको आने देंगे, और ब्रिटिश ने यही इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया था कि आपने भीड़ इकट्ठा कैसे की, कैसे आपने लोगों को आने दिया, रास्ते में क्यों नहीं शूट किया. तो उन्होंने कहा कि मैं खून सनी रोटी नहीं खाता हूँ, मैं किसी का खून नहीं करूँगा. इसका अर्थ यही था कि मैं नौकरी से को छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं गरीबों को मारूंगा नहीं, बेमतलब लोगों को बिना ट्रायल के किसी को भी शूट एट साइट नहीं करूँगा. ही डिसोबेड ऑर्डर्स, दीज वर कॉल्ड डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, का इल्ज़ाम लगा था उनके ऊपर. 7 साल की उम्र में उनके मन में जज्बा आने लगा, जब अपने फादर को वो देखते थे तो उनको लगता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, उन्होंने कहा भी है कि मैं तब ऐसा करूंगा. पिताजी से कहते थे अपने कि आप यहाँ पर बैठे मगर मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा, आप देख लीजिएगा. वो कहने लगे, वो कैसे? आप देखिएगा, मैं इतना पढ़ूंगा कि सबको पिछाड़ दूंगा. कभी आपसे जिक्र किया उन्होंने कि ये फीलिंग उनमें कहाँ से आई, इतनी छोटी उम्र में ये एहसास, और कर दिखाया उन्होंने वो ऑल थ्रू आउट? रोज तो पिताजी के साथ वो कोर्ट में जाते थे, क्योंकि वो छोटे थे तो स्कूल में जाते नहीं थे, स्कूल में उनको भर्ती नहीं किया गया. 7-8 साल से पहले बच्चों को स्कूल में लेते नहीं थे, और जिस जगह वो थे बांदा में, तो वहाँ पर स्कूल नहीं थे. हमारी बुआ उनको पढ़ाती थी, वो कहती थी कि वो नीचे बैठती, तो वो कहते थे कि अच्छा आप नीचे बैठो तो मैं सीढ़ी के ऊपर बैठूँगा, तो मैं वहाँ से पढ़ूँगा, आप यहाँ से हमको बताना. और हमारी बुआ भी पढ़ लिख इसलिए गई थी क्योंकि बड़ी यंग एज में, शायद 2 बरस ही में, उनके एक बेटा हुआ था, उसका देहांत हो गया, और उसके बाद उनके पति गुजर गए, तो वो वापस अपने भाई के घर में आ गई, और उनके भाई ने उनको पढ़ाया लिखाया और एक टीचर बनाया. बांदा में
वो स्कूल में प्रिंसिपल हो गई, टीचर बनी, फिर उसके बाद उसी स्कूल की वो प्रिंसिपल हो गई और बहुत लोग उनको जानते हैं और जानते थे बुआ जी को जी। और उस समय बुआ हमारी खादी पहना करती थी तो इसलिए उनका आकर्षण तो पहले से ही स्वराज पे था, उन हमारे ताऊ जी को भी और उनकी बहन को भी, दोनों को ये आकर्षण था। वो हमेशा से खादी पहनती थी, उनको कभी मैंने और कुछ पहने नहीं देखा। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। शीला जी हमारे साथ हैं, शीला दरबारी जी और उनकी बेटी डॉक्टर जनेश दरबारी, उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। और ये भी हम समझेंगे उनसे, बलिया की जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी उस क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो क्या कुछ रहा उस दौर में जानेंगे, लेकिन इस पर आगे। शीला जी, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि हम सब उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात होती है तो बहुत कम लोग हैं, या तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने वाकई स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा आम लोगों की अगर बात की जाए तो उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं मालूम है। क्या वजह मानती हैं इसकी आप? ऐसा था कि मेरा मकान पिताजी का बन रहा था लखनऊ में, और हमारी माँ गई थी देखने के लिए कि सब वहाँ ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ बन रहा भी नहीं है, कितना काम हो रहा है। तो हम और हमारी सिस्टर दोनों उनके साथ थे और वो मकान देख रही थी अपना, और हम लोग तो बस पढ़ने के लिए वो देखने गए थे कि हम कॉलेज आएंगे तो कौन से कॉलेज में आएंगे लखनऊ में। वो माँ तो हमारी मकान देखा और सब कुछ कर लिया अपने ठीक ठाक, तो वापस लेने बलिया की ट्रेन लेकर के हम लोग बैठे। तो बलिया में डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं जाती थी, सब इलाहाबाद या बनारस होकर जाती थी, तो बलिया तो कभी पहुँचे नहीं। ऐसा था कि जगह जगह पर हर स्टेशन में देख रहे थे कि जो पहला स्टॉप हुआ तो उसमें देखा कि स्टेशन फूका पड़ा है, तो दूसरे स्टॉप में जब गाड़ी पहुंची तो देखा क्या कि स्टेशन मास्टर बांधा पड़ा है, कुर्सी में रस्सी से बांधा हुआ है और पूरा प्लेटफॉर्म खाली है और कोई नहीं आ सकता ना जा सकता। जनेश जी, अब हम थोड़ा सा इस बात को समझें अगर, कि आपने बताया कि 7 साल की उम्र में एक बच्चे के मन में ये बात आती है कि मैं पढ़ाई करूंगा, उस पोजीशन पे आऊंगा, लेकिन जज्बा था भारतीयों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर। बट क्लियर करने के बाद टॉपर रहे ऑल थ्रू आउट, उसके बाद ICS ऑफिसर बन जाते हैं, 17 ईयर्स ब्रिटिशर्स को सर्व करते हैं, उस स्पैन में क्या उनका, अगर हम सोचें कि क्या उनका टेम्परमेंट होगा, क्या माइंडसेट होगा, किस तरह के थॉट्स उनको आते होंगे और कैसे वो सर्व कर रहे होंगे? वो अपना जो सर्विस, उनका जो रिकॉर्ड दिखाता है वो ये है कि वो जनसंपर्क में माहिर थे और साइकोलॉजिकल जो वो लोग चाहते थे कि ये लोग ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करें, तो ही वॉज डूइंग दैट जॉब, ही वॉज एज एन ICS ऑफिसर ही वॉज एक्सेलिंग, क्योंकि जब भी वो जाते थे तो लोग उनको प्रेम और पूर्वक स्वागत करते थे। ही वॉज नोन एज देवता, तो उस वक्त एक ICS ऑफिसर को देवता का उपाधि देना बहुत बड़ी बात थी। तो उस एक तरह से ब्रिटिशर्स भी बहुत खुश कि हमारा सरकार तो अच्छा चल रहा है, विद्रोह क्यों होगा। तो इसलिए जो रिपोर्ट्स उनके पास गई बलिया के बारे में 1942 जब ये क्विट इंडिया का आंदोलन था, तो उनके पास रिपोर्ट्स गए कि एवरीथिंग इज साइलेंट, एवरीथिंग इज ओके। तो उन्होंने ट्रस्ट किया नाना को उस बात पे, और नाना ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। जब आपने कहा कि उनके दिल में जो था बात कि मैं देश के लिए करूँगा, उनके स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो फॉरमोस्ट थे, आजकल तो लोग बलिया में कहते हैं नेशनलिस्ट निगम। अब किसको वो उपाधि मिलता है नेशनलिस्ट का, और क्यों मिला? सो वाज ही वेटिंग फॉर द राइट टाइम एक्चुअली? यस, ही वाज एग्जैक्टली, ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम बिकॉज ही न्यू इफ आई डोंट डू इट इन द राइट टाइम इट्स नाउ और नेवर। एंड उनकी जो मन की भावना थी, उन्होंने कहा एवरी ऑल ओवर इंडिया इट वॉज बिकमिंग अ फेलियर, how to make it a success. So this is the only episode in history which is a success. Yeah. Where 25,000 people come, he had arrested Chittu Pandey by the British orders, but he went to the jail, he released Chittu Pandey, brought him out and said, now down with the British rule. And he took down the Union Jack, threw off his solar hat, stamped it. The solar hat was a part of the British attire. So he stamped it and said, down with the British rule. And Chittu Pandey
यू रेज द इंडियन फ्लैग, तो आप समझ सकते हैं कि व्हेन यू आर इन दैट स्पिरिट एंड द भावना एंड द पीपल वर सो हैप्पी and that's when they established Swaraj for 2 days and the parallel government and no ICS officer had the guts to do it kyunki sab to jaise aap theek keh rahe hain ki andar ghutun to mehsoos agar hota bhi hoga unko wo himmat nahi thi ki wo bahar nikal kar ke british raj ko hila de aur nana ji ne jab ye kiya to british sarkar to hil gayi pura british parliament jaag utha ki ye kya hua हमें तो रिपोर्ट्स मिल रहे थे इन बलिया एवरीथिंग इज इन कंट्रोल या एवरीथिंग इज इन कंट्रोल इफ एवरीथिंग इज इन कंट्रोल अब ये क्या हुआ So there was a regular inquiry, the MP, Mr. Amory, Stanley Amory, Leopold Stanley Amory, Secretary of State for India. So he set up Churchill was the Prime Minister. And they set up the inquiry, what happened in Balia. And that's when, of course, Moody, who was the Chief Secretary, and the Governor himself, Sir Garnier Hollett, he turned around and said, this man has to be dismissed. He has overstepped his jurisdiction. He had no right to do this. But amongst the Britishers also, if you look at Waddell's report, the Deputy Inspector General of Police, he says there was a siege without a seizure. In one line, he told the Britishers, Nigam has pulled the carpet from under our feet. Yeah. जब ये movement का मैं देखा कि वो parallel जो government दो तीन जो रहा तो उसके बाद में आपके फादर के साथ में जगदीश्वर निगम जी के साथ क्या हुआ फिर जगदीश्वर निगम जो थे वो 2 दिन तक तो घर ही नहीं पहुँचे और घर में मेरे दोनों छोटे भाई नौकरों के साथ थे ना हम उनको कम्युनिकेट कर सकते थे और ना ही हैड एनी कम्युनिकेशन विद अस जी शीला जी ये बताइएगा जब 2 दिन या 3 दिन मोटे तौर पर देखे जब एक फील आया और पूरे भारत में सिर्फ बलिया में ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका झंडा हटा के जो सिंबॉलिकली देखा जाए तो अपने आप में ये था कि हमारी गवर्नमेंट वहां बन गई नो मैटर फॉर 2-3 डेज बन गई थी इंडियंस की अगर बात करें तो क्या उनके मन में जज्बा था कि अब तो इनको निकालना है खदेड़ना है ऐसा कुछ इंडियंस तो झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सारी गली गली बढ़िया में गाना ही शुरू हो गया इसका चित्तू पांडे जी को पिताजी पहले से जानते थे क्योंकि ये उनकी सेकेंड पोस्टिंग थी बलिया में As when he was started his service, तब भी वो बलिया गए हुए थे as assistant collector. जी And after that he went as collector बलिया जी तो बलिया वालों को वो पहले से जानते थे ये चित्तू पांडे वगैरह सबसे उनका संपर्क पहले था तो इसलिए चित्तू पांडे वॉज नो स्ट्रेंजर टू हेम चित्तू पांडे ने जब ये रिबेलियन शुरू किया और ये भीड़ इकट्ठा करी तो उन्होंने चित्तू पांडे को जेल में बंद कर रखा था चित्तू पांडे के पास जेल में गए और जेल में ही उनसे बातचीत करी कि ये आपने किया है आंदोलन तो मुझे समझाइए कि आपका इरादा क्या है तब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज हो जाए और हम बलिया से आज़ादी क्यों ना ले ले हम बलियाटिक आज़ाद परिंदे हैं आज़ादी चाहते हैं तो तब पिताजी ने उनसे कहा आज़ादी मैं भी चाहता हूँ अपना भारत है और आपके साथ मैं जुड़ जाऊँगा परंतु आप धैर्य से काम करिए और धैर्य से ही हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए चित्तू पांडे ने कहा नहीं साहब मैं कोई खून खराबा नहीं करूँगा आप देखिएगा सिर्फ भीड़ इकट्ठा हुई है वो कुछ नहीं करेगी सिर्फ आपको ये झंडा ऊँचा रहे हमारा कहेगी
और तिरंगा फहराने की कोशिश करेगी, तो आप, अब आप मालिक हैं, आप बताएं आप क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने चीतू पांडे को जेल से छोड़ करके अपनी भीड़ के सामने लेकर आए और कहा, चीतू पांडे आप इस कुर्सी पे बैठकर अपने इन लोगों को कहिए कि इनको मिलेगा इन्हें जो चाहिए, परंतु आसानी से नहीं मिलेगा और शोरगुल मचाने से भी नहीं मिलेगा, इसको धैर्य से हम प्रोपगेट करेंगे। आपकी भीड़ ने जो आई है उसने काफ़ी कुछ संदेश दे दिया है लोगों को, ये हमारे ही बलिया में नहीं, इसका असर पूरे भारत में पड़ रहा है, दिल्ली और हमारे प्राइम मिनिस्टर सबको इसकी खबर हो गई है, क्योंकि मैंने ऐलान करवा दिया है सबसे कि दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मुझे तो रिपोर्ट बनानी रहती। तो कमिश्नर नेदरसोल को जब ये रिपोर्ट पहुंची, तो नेदरसोल तो उनके डायरेक्ट वो थे, वो उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू टेक ओवर चार्ज। वो बनारस से छोटी सी पलटन लेकर के आ गए और कहने लगे कि निगम आई थिंक यू हैव टू प्रोसीड ऑन लीव एंड आई एम बिकमिंग इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। चीतू पांडे जी का बहुत जिक्र आ रहा है, उनके परिजनों से हमने बात की, आइए देखते हैं। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेरेवलिया चीतू पांडे का प्रपौत्र, मैं गर्वान्वित हूँ कि हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया। दादी ने ये बताया कि आजादी के दिनों में हमारे घर पे ब्रिटानिया हुकूमत के सिपाही अपनी फौज लेके पहुंचे और घर की नीलामी कुड़की के वजह से पहुंचे थे, जिसमें घर का सारा सामान, चौखट, किवाड़ी, बक्से, जो भी घरेलू उपयोग की चीज़ें थी सारी उठा ले गए। यहाँ तक ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने ये कहा कि एक पतीले में चावल पक रहा था, दादी पका रही थी, जिसको उन्होंने कहा कि ये बढ़िया इसको खाली कर दो, तो उन्होंने अपना आंचल फैलाया और उस अधकचे हुए चावल को उसमें उधेड़ दिया और उस पतीले को भी लेके वो चले गए। 19 अगस्त 1942 दिन बुधवार के दिन बलिया के क्रांतिकारियों को स्वतंत्र कराने के पश्चात यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर जगदीश्वर निगम ने आकर यूनियन जैक उतार कर तिरंगा लहराने का आदेश दिया था और इस प्रकार वह भारत छोड़ो आंदोलन के एक हिस्सा बन गए थे। यह वही स्थान है, तत्कालीन कलेक्टर का बंगला, जहां जगदीश्वर निगम जी ने तिरंगा फहराकर बलिया के शासनाध्यक्ष पंडित चीतू पांडे की सरकार को समर्थन दिया था। शीला दरबारी जी से, जनेश दरबारी जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सवेरे में हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो क्या कुछ गतिविधियां उस दौरान चल रही थी, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त की सुबह सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई। इसका असर पूरे देश पर पड़ा। मुंबई से हजारों मील दूर बलिया में क्रांति शुरू हुई। बलिया के हर कोने में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। गांव से लेकर शहर तक अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया। महिलाओं ने भी विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलिया में रेलवे लाइन उखाड़ने के साथ आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी जगदीश्वर निगम ने आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया। 19 अगस्त 1942 को बलिया कुछ दिनों के लिए आजाद हुआ। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को बलिया में बलिया अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बलिया में जो हुआ उसके बारे में। हमारे साथ हैं शीला दरबारी जी, साथ ही जनेश दरबारी जी। जनेश जी, हम जैसे कि बात कर रहे थे कि अब वो उनको मालूम था कि कुछ ना कुछ तो एक्शन जो है वो उनके अगेंस्ट लिया ही जाएगा। सो वॉज ही प्रिपेयर एक्चुअली फॉर दैट? यस, ही फॉरगॉट एवरीथिंग एंड ही सेड नहीं, हम आज़ादी लेकर अब रहेंगे। और वो भूल गए कि वो एक कलेक्टर हैं या कुछ भी है, एक ICS है और ब्रिटिश के नौकर हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ और मैं आज़ादी दिलाऊंगा इस देश को। ये उनके चीतू पांडे से वादा था कि आप और हम मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। जनेश जी, जब हमने देखा कि ये सब हो गया और अब तो उनको पता ही था कि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, फिर क्या हुआ? ही वॉज सस्पेंडेड एंड ही रिमेन्ड सस्पेंडेड टिल 1948। ओके। And of course, there were a lot of offers from him, vice chancellorship and Banaras Hindu University Master, se aaya tha, aur J.K. Srivastava industrialist the, unki taraf se offer aaya tha to take charge of Victoria Mills. Lot of offers, people of the whole Allahabad se lekar ke the citadel of jo Congress movement tha, because he actually showed them the way. If an ICS officer decides in the smooth transfer of power with the police support, then nobody could stop Swaraj. And they were about, or by that time in 1942, when Nana joined in 1923, there were few Indians. By 1942, there were almost 100 Indians in the ICS. So aap soch sakte hain, agar 100 ICS officers repeated what Nana did, to pura Bharat ko Swaraj mil hi jata 1942. Bilkul. It's very simple. But what happened is, after Nana got suspended, lot of people lost their morale. Ki ye hua kya Nigam sahab ko? Britishers ne suna nahi. Lekin Nigam sahab kehte the sabse, aap log sab resign kariye. Right. Aap resign kariye. Mujhe to dismiss karte, aap log sab bhi resign kariye. And then of course, what happened is, it was very, very amusing. He filed a case against the Britishers. Okay. He filed a case against the Britishers and said, you cannot dismiss me. I have done nothing wrong. You are a democratic country. I am only asking for the fundamental rights of the people. Yeah, for democracy in India. I'm asking for what you say is important in England is important in India. Swaraj. If the people want freedom, then you have to give it. Ab wo kya kehte hai na ki jo kalam hota hai, usme itni taakat hoti hai. Wo unhone as an ICS officer karke dikhaya. To Britishers jo hai, wo to hairan the. अब इनको ना तो रिबेलियन के चार्जेस लगा सकते थे, उनके ही एक्ट को ऑफ द आईसीएस ऑफिसर्स का जब नाना ने चैलेंज किया, तो दे हैड टू अकॉर्डिंगली मेक अ डिसमिसल नोटिस आउट ऑफ सेइंग इट्स डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। सो दे सेड डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी एंड डिसमिस्ड हिम। सो नाना सेड दिस इज ऑल व्हाट दे कैन डू, कम ऑन यू आईसीएस, गेट टुगेदर, डू द रिवोल्ट। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि वो करेज लाने के लिए और वो भारतीयता, द नेशनलिज्म हैड टू कम फॉरवर्ड। एंड बाय दैट टाइम ऑफ कोर्स एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग नेशनलिस्ट निगम तो हैं, वो तो पैदा हो गए हैं, आईसीएस होकर के ब्रिटिश सरकार को दिखा दिया। सो 1942 हैड एवरीबॉडी टेकन अ स्टैंड, वी वुड हैव गॉट स्वराज। नाउ द थिंग इज, व्हाट हैपेंड टू नाना? ही वाज अ हैप्पी, वेरी हैप्पी मैन। आप एक किताब देखेंगे जो हम इसके बारे में लिख रहे हैं, बिल्कुल, और उसमें जो फोटोग्राफ है कवर में, वो मेरी माँ ने खुद लिया है। ओके। शी वाज लर्निंग फोटोग्राफी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम बलिया टू लखनऊ, एंड यू कैन सी इतना ट्रायम्फेंट है वो, उनके चेहरा खिला हुआ है। कहते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज विद इन हिम। जी। तो ये आईसीएस रिजाइन जो वो कह रहे थे वो छोटी बात थी, और जिस तरह से ब्रिटिशर्स उनके पीछे पड़ गए, तुम dismissed ho, wo badi baat thi. You had to have the guts to challenge the Britishers. And Gandhiji did it, he did it in his own way, and Chittu Pandey did it in his own way. Tabhi to national spirit itna kas ke hai ki aaj tak baliya mein wo jo pura scene hai enact hota hai, is nationalism ka jo flow hai, aap baliatic people agar aap jayenge baliya mein aap dekh sakte hain. Aaj tak Vivekanand Singh ji hain, वो इसका पूरा प्ले करते हैं, राइट फ्रॉम द प्रिजन, द रिलीज ऑफ चिट्टू पांडे, द पुलिंग डाउन ऑफ द यूनियन जैक एंड द फ्लाइंग ऑफ द तिरंगा एवरी ईयर, एंड दे डू द होल ऑफ बलिया गेट्स अप एंड दे डू अ बिग मार्च। ऐसा नेशनलिज्म आप कहीं नहीं देखेंगे जी, जो बलिया वालों के खून में बसी हुई है।
वहाँ पर लीडर्स जा रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको, और हमने देखा क्रांतिकारी वहाँ से जो है उनका जज्बा बाकी देश में भी रिफ्लेक्ट होने लगा और लोग भी उसकी वजह से और ज़रा एनकरेज हो रहे थे. तो बलिया का तो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है इस लिहाज से. वेरी वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज द पुलिस पीपल ऑल्सो. जी, जब नानद जी ने कहा रिक्विजिशन द गन्स एंड सरेंडर, तो द पुलिस पीपल हु आर ब्रिटिश एंड इंडियंस बोथ पुट डाउन देयर गन्स. ये बहुत अहम बात है. अहम बात है. ब्रिटिश एंड इंडियन पुलिसमैन पुट डाउन देयर गन्स एंड हिड देम अकॉर्डिंग टू रूल. तो आप समझ सकते हैं कि विद इन द ब्रिटिश ऑल्सो देयर सिपॉयज, उनके भी दिल में था कि स्वराज देना है. और कोई एक शख्स को खड़ा होना था एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड से लेट्स डू इट. And this is very true because हम जब देखते हैं नमक आंदोलन की बात होती है, भारत छोड़ आंदोलन की बात हो रही है, पूर्ण स्वराज का बहुत जिक्र है, चरखा काटने की बात हो रही है, अभी आपने खादी पहनने का जिक्र किया जिसको फिर हम रिवाइव कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में हमको लेके जा रही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और उसके लिए आम लोग भी जो है फिर वो जुड़ने लगते हैं. इसको बलिया में हमने इतने खूबसूरत तरीके से देखा. लेकिन यहाँ पर अब जनी जी आपसे अगर ये जाने कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा की अगर बात करें उस पीरियड में क्या रोल उनका रहा फिर? सी, क्योंकि वो चैलेंज कर चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, दे हैड टू रिप्लाई, सो ही वाज रीइंस्टेटेड. और जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ इन जनवरी, ही वाज गिवन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश. ही वाज वर्किंग एट द विक्टोरिया मिल्स एट दैट टाइम एज अ डायरेक्टर देयर एंड लुकिंग आफ्टर द मिल अफेयर्स. दैट्स व्हेन ही लर्नड एवरीथिंग अबाउट द लेबर. लेबर में कितना अन्याय हो रहा था, कितनी कम उनको तनख्वाह दी जाती थी, उनके वर्किंग आवर्स क्या थे, बहुत देर तक उनसे काम लिया जाता था मगर उनको कोई उसका वेतन नहीं मिलता था एक्स्ट्रा. तो ये सब उन्होंने ऑर्गेनाइज अपने दिमाग में रखा हुआ था कि करना है. और जब राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो उनसे उनकी बातचीत हुई इस विषय में, और राजन बाबू ने उनको इनवाइट किया कि दिल्ली आके आप बैठिए और आप ये लॉ सब बनाइए. आई वांट यू टू कम टू दिल्ली एंड हेल्प मी विद दिस प्रोग्राम ऑफ योर्स. जी शीला जी, एक सवाल मन में आ रहा है आपसे जाने, अगर पूर्ण स्वराज की कोशिश बलिया में होती है, 3 दिन तक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चलती है और सब निगम जी की कोशिशों की वजह से हुआ, बट जब फाइनली हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया दैट वेरी डे, व्हाट वाज हिज फीलिंग, व्हाट वर हिज थॉट्स? 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था जी, तो उस समय उनको कैसी फीलिंग थी? 5 साल लगे थे जी, तो 5 साल जब लगे इंडिपेंडेंस मिलने में तो वो ही वॉज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. द मिडनाइट ऑफ ऑगस्ट 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the governance of India. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said with moving eloquence, Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On August 15th, the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power. So all in all, Sheila ji, how does it feel? Well, I feel very proud of who I am and where I am today is because partly of my father and mostly my husband, with whom I have lived for 64 years. And today he's no more. And all the kids also, the children also were very close to their dad. But it was his inspiration. He used to always say, you don't know, Nanaji was a very nationalistic person, very patriotic person. He was a gem of a man. And he naturally had this great admiration for him. You know, we are actually missing out on fighting for freedom. it's something, you know, you would say ki, it was not only, it was a period of our country which is so rich,
of human fervor, love for the nation. Yeah. And we hope it commitment, continues. Devotion, commitment, devotion, loyalty, there are certain... And this Vivekanand Singh, you know, when he rang us up from Balia, and he said, we do this every year, it was like the spirit of nationalism of that generation is flowing through these young guys. Seriously, yeah. I mean, they have a commitment. Yeah. So, and they told my mother, please do something for us, because this is a nationalism which we are flowing with. So will you do something? Then my mother said, I must tell the story the way I have heard it from my father. Sheila Darbari ji, Dr. Jinesh Darbari ji, trust me, it's a privilege, it was an honor to have you on our show. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोग हमें उस दौर में ले गए, एंड वी आर ऑल्सो फीलिंग क्वाइट प्राउड कि हम लोग ने किस तरह से स्ट्रगल करके ये आज़ादी हासिल की है. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए. इट्स अ ग्रेट जॉय टू बी हियर, एंड ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस आर ऑन एंड वी आर सो प्राउड. तो आज सवेरे के आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले आपको इतना कह दें कि आप कार्यक्रम के विषय में कुछ भी हमसे साझा करना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव हो, आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है aajsavere@ddkdelhi.org.in. तो जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आज़ादी की जब बात होती है तो उसमें संबोधनों की बात होती है, शब्दों की बात होती है, गीतों की बात होती है, जिनका बहुत महत्व रहा, बहुत प्रभाव रहा. तो आइए हम भी देखते हैं ये गीत. वंदे मातरम् वंदे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम् वंदे नहीं सिखाता आपस में पैर रखना